बॉलीवुड की हीरोइंस के बीच अक्सर कैट फाइट देखने को मिलती है, तो कई बार अभिनेत्रियों के बीच चल रहा मनमुटाव भी सामने आ जाता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी दो मशहूर अभिनेत्रियां हैं जिनके बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ था कि बात हाथापाई तक आ गई थी। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस करीना कपूर खान और बिपाशा बसु की। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई थी कि करीना कपूर ने बिपाशा बसु को थप्पड़ तक मार दिया था और दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर दिया था। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती हैं। बात साल 2001 में आई फिल्म अजनबी के दौरान की है। इस फिल्म में बिपाशा बसु, अक्षय कुमार, बॉबी देओल और करीना कपूर लीड रोल में थे। इस फिल्म में बिपाशा के कुछ बोल्ड सीन्स थे, उनकी हॉटनेस की खूब चर्चाएं हुई थी। करीना को लगने लगा कि बिपाशा फिल्म में उनसे ज्यादा फुटेज खा जाएंगी। इतना ही नहीं, करीना बिपाशा से चिढ़ने लगी थी। खबरें ये आ गई थी कि फिल्म के सेट पर दोनों के बीच काफी बड़ा झगड़ा हो गया और करीना ने बिपाशा को थप्पड़ तक मार दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली तक कह दिया था। हद तो तब हो गई जब दोनों की लड़ाई में बीच बचाव करने आए अभिनेता बॉबी देओल को भी करीना कपूर ने भला बुरा कह दिया था। करीना से बिपाशा इतनी तंग आ गई थी कि उन्होंने उनके साथ कभी काम न करने की बात कह दी थी। बिपाशा बसु ने एक इंटरव्यू में इस कैट फाइट का जिक्र किया था। उन्होंने करीना पर बात को जबरदस्ती बढ़ाने का आरोप लगाया था और इसे बचकानी हरकत भी बताया था और कहा कि अगर उन्हें डिजाइनर से प्रॉब्लम थी तो उन्होंने मुझे बीच में क्यों घसीटा। तो दोस्तों, आपका करीना कपूर के इस रवैये के बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।